वॉकिंग को मैं काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, और रिसेंटली मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स भी आ रहे थे कि तुम ये बोलते हो, जैसे मेरी ये रेकमेंडेशन रहती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है अलग से कार्डियो करने का, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, तो अच्छा ये है कि आप 3 टाइम का मील खाते हो, उसके बाद कुछ 10-15 मिनट की लाइट सी वॉकिंग कर लो। तो उस मुझे ये क्वेश्चन है रेज हुआ कि इससे डाइजेशन के ऊपर असर आता है, इसकी ख़राब असर आता है, सही है नहीं सही है, मतलब वॉक कर सकते हैं हम हल्की फुल्की उसके बाद? देखो, डाइजेशन पे कोई ख़राब असर नहीं आता। पहली बात, कायदे से अगर आप खाना खा के वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, देखो डाइजेशन का मतलब होता है जो भी आप खा रहे हो वो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू वट एवर कार्ब में जो ग्लूकोस है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड है उसमें, तो दैट इज़ डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन है कि वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म है जो खून में जाके वो सेल्स में जाके जहां मेटाबॉलाइज जहां हो रहा उसकी रिक्वायरमेंट है है, वहां वहां पे मेटाबॉलाइज। जाके फिट हो रहा तो डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर जब पेट में जब वो चला जाता है, टेक्निकली आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर ही लेगी, बात है कि कितनी जल्दी करेगी, सिर्फ इतना। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो सारी बॉडी की पूरी ऊर्जा उसको डाइजेस्ट करने में, उसको मैटर उसको एब्जॉर्ब करने में लग जाती है, और वो जो भी आपने खाया है वो तुरंत डाइजेस्ट होके जितनी जल्दी हो सके, घंटे भर के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वो सिंपल कार्ब है, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा तो अलग बात हो जाती है, वरना 45 मिनट से शुरू हो जाता है। जैसे वे प्रोटीन एक प्रोसेस्ड फूड हो गया, ग्लूकोज प्रोसेस्ड हो गया, वो तो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो सकता है, वे प्रोटीन 45 मिनट में अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आता है, जो लोग नहीं करते हैं पोस्ट वर्कआउट वॉक, पोस्ट मील वॉक या एक्सरसाइज, उनके अंदर इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है, बिकॉज सब कुछ तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है, इंसुलिन ग्लूकोज जल्दी बढ़ जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मोटे जल्दी होंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको डायबिटीज़ जल्दी हो। खाने के बाद वॉक करता है, इवन इफ अगर 5 मिनट की वॉक है, इवन इफ अगर 5 मिनट की वॉक है तो उनका इंसुलिन स्पाइक कम हो जाता है। अरे वाह, मैं ये इस नज़रिए से मैंने कभी भी रेकमेंड नहीं किया। मैंने रेकमेंडेशन ये इसलिए दी थी कि लोगों का शेड्यूल बड़ा टाइट सा रहता है, तो अगर बंदा 1 घंटा अलग से निकाल रहा एक है। तरफ एक्टिविटी बिल्कुल है कि वो एक तरफ वो एक्टिविटी दे रही है आपको, आपके स्टेप काउंट दे रही है, एक तरफ आपकी कैलोरीज बर्न कर रही है, बिल्कुल तीसरी बिल्कुल तरफ आपका इंसुलिन स्पाइक कम कर रही है, आपका मोटापा डायबिटीज का रिस्क कम कर रही है। तो खाने के बाद वॉक करना आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो करोड़ों साल से लोग कहते हैं कि खाना खाके डायरेक्ट बैठा मत करो, झुका मत करो, लेट मत बिल्कुल जाया बिल्कुल। ये करो, तो वॉक सुना किया करो। हमारे घर वाले कहते थे, ये क्या, तू लेट जाता है खाना खाते ही, लेटना नहीं चाहिए। तो ये तो एंशियंट विजडम है किस तरह की। हाँ, तो उसमें डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि डाइजेशन थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। इसको अगर गलत मानते हो तो फिर आपकी गलती है, आपको नॉलेज नहीं है।